अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 36, डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम 36। वो कहता है बीम ऑफ लाइट है जिसकी सिंगल वेवलेंथ इंसिडेंट करती है डबल स्लिट अरेंजमेंट के ऊपर। वो कहता है स्लिट की विड्थ 46 माइक्रोमीटर है, यानी S1 S2 की विड्थ बता रहा है। स्लिट की जो सेपरेशन है 0.3 mm की है। वो कहता है कितनी ब्राइट फ्रिंजिस आएंगी फर्स्ट आपके ऑर्डर मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर टू फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच में। तो जनाब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जानते हैं दो तरह के फिनोमेना होते हैं। बुनियादी तौर पे से इंटरफेरेंस के लिए स्टडी किया जाता है, पार्ट डिफरेंस की वजह से वहां पे आती है। सेकंड वहां पे डिफ्रैक्शन होती है सिंगल स्लिट की वजह से। तो हम कहेंगे जो फर्स्ट मिनिमा होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न में ए साइन थीटा 1 लैम्डा जो आपके पास एंगुलर पोजिशन आएगी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर वो डी साइन थीटा इंटरफेरेंस की वजह से डी साइन थीटा एम लैम्डा। तो हम कहेंगे डी साइन थीटा बराबर है एम टू लैम्डा की, हमें उसका ऑर्डर ही पूछा उसने। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो M2 बराबर आ जाएगा D बटा A के, तो ये 6.52 आ जाएगा। इसका मतलब जो 7th मैक्सिमा होगा M2 का मतलब 7th आ गया ना, 7th अगला 6.2 के बाद मैक्सिमा 7th पे ही आएगा। तो हम कहेंगे 6 मैक्सिमा होंगे ईच साइड में, यानी सेंट्रल मैक्सिमम से एट M2 तक। तो 6 एक साइड पे, 6 एक साइड पे, सेंटर वाला एक, तो टोटल 13 ब्राइट फ्रिंजिस होंगी आपके पास उस एनवेलप के अंदर। तो ये हमसे उसने पूछा था। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो छक और नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।